हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा था, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, कि लॉग के क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कोई फंक्शन आपको गिवन होगा, उसमें हम दोनों तरफ लॉग ले के तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन कैसे हो सकता है। क्वेश्चन आपका दिया होगा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की होल पावर जी एक्स। इस फॉर्म में आपका लगभग क्वेश्चन दिया होगा, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ लॉग लेना होगा। तो इसको हम कहेंगे लॉग वाई इज इक्वल टू, और दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब क्या है, लॉग एफ एक्स की होल पावर जी एक्स। इसमें क्या आ जाएगा, जी एक्स आपका पहले आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग एफ एक्स, ठीक, लॉग वाई। फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपके दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया एंड सेकेंड फंक्शन ये हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, आपका प्रोडक्ट रूल जो हमने बताया था उस तरीके से इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा जी एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स, ठीक, एंड प्लस लॉग एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये वाई का मल्टीप्लाई इस साइड करा देंगे, और वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, वाई की वैल्यू यहाँ से आप जो फंक्शन आपको दिया है वो फंक्शन रख देंगे, तो हमको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे। अब इस पर एक डिपेंड हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे आपको गिवन है y इज इक्वल टू x की पावर साइन इनवर्स x, ये आपको गिवन, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स एक्स पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक। इसका क्या होगा, लॉग वाई ये हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका क्या, साइन इनवर्स एक्स ऐसे ही लिखेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये आ जाएगा आगे वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एंड लॉग एक्स का हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमको वैल्यू किसकी निकालनी होगी, डी वाई बाई डी एक्स की,
तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो y ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें y की हम वैल्यू रख देंगे, y हमको क्या दिया है e की पावर सॉरी x की पावर साइन इनवर्स x, ये आपको गिवन है। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस x log x अपॉन x अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या आ गया dy बाई डी एक्स। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी प्रोसेस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको गिवन हो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x log x, y इज इक्वल टू x log x की होल पावर log log x की होल पावर log log x, ये आपको गिवन। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो आएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की होल पावर लॉग लॉग एक्स, ठीक ये आएगा। इसमें क्या आएगा, ये पावर पहले आ जाएगी तो आ जाएगा लॉग लॉग एक्स इंटू लॉग। अब इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, लॉग की एक प्रॉपर्टी थी, या आप इसको ऐसे ही लिखिए लॉग एक्स ठीक। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं लॉग लॉग एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं log x प्लस log x, log x प्लस log log x। ठीक है, ये m इंटू एन का यहाँ पे क्या लगा है फार्मूला, log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n, तो log m आपका क्या है x और log n आपका कितना है log x, तो log log x आ जाएगा ठीक। इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा log log x इंटू log x ठीक। और ये सेम है, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस log log x का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। आप यहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक काम आप ये भी कर सकते हो कि यहीं पे आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, है ना। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, चाहे तो आप यहां से ही इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए या फिर इसमें रूल लगा के भी आप इसको डिफरेंशिएट करें। अब देखिए जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका वन पार्ट और ये आपका सेकंड पार्ट ठीक, और इस वाले में तो आपका स्क्वायर लगा है, स्क्वायर के तरीके से जैसे एक्स की पावर एन को सॉल्व करते थे वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन करके क्या आता है।
इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो लॉग लॉग एक्स ठीक, और इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ठीक, प्लस ये पार्ट आपका लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स ठीक, अगेन प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू आपका पहले आ जाएगा और लॉग लॉग एक्स, या आप डिफरेंशिएशन यहाँ लिख दीजिए तो ज़्यादा सही, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स का होल ऑफ इसका ठीक। इसमें आप प्रॉपर्टी लॉग की लगा सकते हैं, ये टू आपका क्या पहले आ जाएगा ठीक है, तो ये टू आपका कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, लॉग लॉग एक्स का हम क्या कर लेंगे डिफरेंशिएशन ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा लॉग लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, लॉग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन लॉग एक्स आएगा, इनटू में क्या आएगा वन अपॉन लॉग एक्स, अगेन फिर से लॉग एक्स का होगा तो ये आ जाएगा वन बाई एक्स, तो लॉग एक्स कैंसिल आउट हो जाए ठीक है, प्लस इसमें टू पहले आएगा तो टू कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा ठीक है, और लॉग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा वन अपॉन लॉग एक्स इंटू वन बाई एक्स ठीक, तो ये आ जाएगा लॉग लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू अपॉन लॉग एक्स इंटू एक्स ठीक है, तो ये आपका क्या आया है वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, हमको निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसकी सीधे सीधे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा वहाँ से वाई इंटू में आएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा लॉग लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स लॉग एक्स, वाई की आप वैल्यू रख दीजिए, वाई कितना था वाई आपका ये है, ये आपका क्वेश्चन था, तो वाई की वैल्यू रख देंगे क्या आएगा एक्स लॉग एक्स की होल पावर लॉग लॉग एक्स, ब्रैकेट में लॉग लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये आपका आंसर। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको और भी सॉल्व कर सकते हो इन दोनों का एलसीएम लेके, पर इतना भी रखेंगे ये आपका सही है ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं और इस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जो बेस है वही पावर दिया है, तो इसमें भी हम दोनों तरफ लॉग लेके ही सॉल्व करें। लॉग आप कब लेंगे, थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान देना होगा कि पावर भी आपकी एक्स में दी हो या एक्स फंक्शन में दी हो, और जो बेस हो वो भी एक्स फंक्शन में आपको दिया हो, तो आपको दोनों तरफ लॉग लेना ही पड़ेगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई सॉरी लॉग वाई इज इक्वल टू, इसमें लॉग लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसमें भी दोनों तरफ हम आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या, फर्स्ट आपका फंक्शन ये हो गया, सेकेंड आपका ये हो गया, तो दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फिर प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और लॉग, ये लॉग का है तो वन अपॉन में आ जाएगा, तो वन अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये आएगा। अगेन लॉग के साथ में जो ब्रैकेट में दिया है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स आपका हो जाएगा माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा। ये आपका आएगा, तो इससे ये तो कैंसिल हो गया आपका, क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इन दोनों में ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या है, कॉमन, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हम ले लेंगे कॉमन, तो आपका बचेगा क्या, वन प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये आपका बचा, एंड इधर आपका क्या वन अपॉन वाई बचा और डी वाई बाई डी डी एक्स, तो वाई को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और वन प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। वाई की यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप कर दें, वाई की वैल्यू पुटअप करेंगे, वाई क्या है, ये आपका दिया है फंक्शन, तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
और इनटू में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग सॉरी वन प्लस ब्रैकेट में वन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आपका इसका आंसर हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे जिसमें दो टाइप के आपके फंक्शन ऐड होंगे। दो टाइप के फंक्शन ऐड होने का मतलब दो फंक्शन ऐड हो रहे होंगे, उसमें अलग अलग लॉग लेके हमको सॉल्व करना होगा। देखते हैं उस पर डिपेंड क्वेश्चन। जैसे आपको गिवन हो क्वेश्चन है tan x log x tan x की होल पावर log x प्लस cos x की होल पावर sin x। अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन हैं, दोनों प्लस से ऐड हैं, ठीक है। तो अब ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास log है नहीं कि हम इसमें log लें और ऊपर के ये सॉल्व हो जाए, तो हमको क्या करना होगा, इसमें log लेके हम अलग सॉल्व करेंगे, इसको कुछ और मान के हम सॉल्व करेंगे, मतलब इन दोनों को अलग अलग फंक्शन की तरह हम सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेते हैं ये हमारा क्या था y इज इक्वल टू tan x log x प्लस cos x sin x, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं y इज इक्वल टू, या तो हम कहें लेट u इज इक्वल टू tan x की होल पावर log x, ठीक है, एंड v इज इक्वल टू cos x की होल पावर sin x, ठीक। तो ये हमने मान लिया, जब इसमें हमने इसको माना है तो हमारा y इज इक्वल टू यहां से क्या बन जाएगा u प्लस v, हमारा यहाँ पे फंक्शन अब क्या बन गया y इज इक्वल टू यू प्लस वी बन जाएगा, ये u हो गया और ये आपका v हो गया। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आएगा dy वाई बाई डी एक्स, और ये भी हमने क्या माना है x के फॉर्म में ही फंक्शन है, तो ये हमारा क्या आएगा du यू बाई डी एक्स, और ये हमारा क्या आएगा dv वी बाई डी एक्स, ठीक। अब हम इसमें क्या वैल्यू हमको सिर्फ पुटअप करनी है किसकी, du यू अपॉन डी एक्स की और dv वी अपॉन डी एक्स की। तो du यू अपॉन डी एक्स क्या कब आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उससे पहले हमको क्या करना होगा, इस log को पहले लाना होगा, मतलब हमको दोनों तरफ यहाँ पे क्या लेना होगा log, ठीक है। तो हम दोनों तरफ इसमें log ले लेते हैं, तो जब log लेंगे u इज इक्वल टू हमको क्या दिया है tan x की होल पावर log x, तो जब log लेंगे तो ये आ जाएगा log u इज इक्वल टू log x इंटू log tan x, ठीक है। तो इसमें हमारे लिखेंगे 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें बाई पार्ट लगा देंगे प्रोडक्ट, तो log x और इसका डिफ्रेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ log tan x, प्लस log tan x एंड d बाई डी एक्स ऑफ log x,
ठीक, इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, डी यू वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, और लॉग टेन एक्स का क्या, वन अपॉन टेन एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स और वन अपॉन टेन एक्स। अगेन यहाँ पे टेन एक्स का फिर से होगा डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस लॉग टेन एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, ठीक। तो यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका क्या, वन अपॉन यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो यू आपकी वैल्यू क्या थी, यू हमारा ये था टेन लॉग एक्स, टेन एक्स की पावर लॉग एक्स, ठीक, ब्रैकेट में क्या आएगा, लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस लॉग टेन एक्स अपॉन एक्स, ठीक, ये हमारी डी यू अपॉन डी एक्स आया। जैसे हमने डी यू अपॉन डी एक्स सॉल्व किया है उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब क्या निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। हमको v क्या दिया है, v इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक, अब इसमें हम लॉग ले लें तो जब लॉग लेंगे तो आ जाएगा लॉग v इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, ठीक, तो ये आ जाएगा वन अपॉन v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ये वैल्यू हम रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा, तो ये आ जाएगा वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और लॉग एक्स कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स अपॉन में आएगा और कॉस एक्स का अगेन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा। यहाँ पे पहले लॉग कॉस एक्स का करेंगे तो वन अपॉन कॉस एक्स आएगा, अगेन कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, प्लस लॉग कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या, v का मल्टीप्लाई, और v है क्या cos x की पावर sin x, और इसमें ये माइनस का आएगा ये प्लस का, तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, cos x इंटू लॉग cos x माइनस ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस मतलब टेन, तो टेन एक्स इंटू साइन एक्स, ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी। अब ये वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आप पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें वैल्यू रखिए तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये निकली है और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रखी, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टेन एक्स
की होल पावर log x ब्रैकेट में log x इंटू sec स्क्वायर x, log x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log tan x अपॉन x फिर उसके बाद dv by dx तो प्लस क्या आएगा cos x की होल पावर sin x और क्या आएगा cos x इंटू log cos x माइनस tan x माइनस tan x इंटू sin x तो ये आपका आंसर होगा। ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो हैं ये थोड़े लॉन्ग में आपके इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, है ना? तो इन्हीं तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं और क्वेश्चन इनके एनसीईआरटी पे डिपेंड। जैसे आपको दिया है y इज इक्वल टू x की पावर साइन x, आई थिंक x की पावर साइन x, y इज इक्वल टू x की पावर साइन x। सेम तरीका है, log लेंगे, log y इज इक्वल टू साइन x log x, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो साइन x d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x और d by dx ऑफ साइन x। ठीक, तो ये आ जाएगा साइन x और वन log x का वन बाई एक्स तो अपॉन में x आ जाएगा प्लस log x और साइन x का क्या हो जाएगा आपका cos x। ठीक, ये वन अपॉन y dy वाई बाई डी एक्स है, हमको निकालना क्या है dy वाई बाई डी एक्स, तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, इसमें आप एलसीएम ले लीजिए इन दोनों में, तो क्या जाएगा x सॉरी साइन x प्लस x log x cos x अपॉन x। y की आप यहाँ से वैल्यू रख देंगे x की पावर साइन x, तो dy वाई बाई डी एक्स आपका क्या जाएगा x की पावर साइन x, और ये भी अपॉन में x है, जब अगर इसको बाहर लेंगे तो ये भी x है, x ऊपर जाएगा तो वह आपका क्या हो जाएगा माइनस वन। ठीक, साइन x माइनस वन और ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा साइन x प्लस x log x इंटू cos x, ये आपका आंसर। अब इस एक्सरसाइज पे डिपेंड, आपको कुछ होमवर्क में हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उनको लगाइएगा, ट्राई करिएगा, देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन y इज इक्वल टू log x की पावर x, सेकेंड है
y इज इक्वल टू e की पावर x की पावर x, थर्ड है y इज इक्वल टू साइन x की होल पावर cos x, साइन x की होल पावर cos x प्लस cos x की होल पावर साइन x। अगेन नेक्स्ट है y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y, नेक्स्ट है x की पावर y प्लस y की पावर x, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। ये 5 क्वेश्चन हैं, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, कल इसी एक्सरसाइज पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन प्रूविंग वाले भी होंगे, कल वो कराएंगे, फिर उसके बाद न्यू टॉपिक पे आएंगे। तो आई होप सभी के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जिसको भी डाउट हो तो वो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू।